विजय माल्या सिर्फ एक नाम ही नहीं है बल्कि एक पद भी हो चला है। अगर आप बैंक का पैसा लेकर चंपत हुए या देश के बाहर भाग गए तो भी आपको माल्या के नाम से पुकारा जा सकता है। एक और डिफॉल्टर का नाम सामने आया है जिस पर देश के बैंकों के 6800 करोड़ रुपए बकाए हैं। भारत में सबसे बड़े डिफॉल्टरों का नाम लिया जाए तो सबसे पहले आपके जेहन में विजय माल्या का नाम आएगा, लेकिन क्या आपको दूसरे नंबर पर मौजूद शख्स का नाम पता है? क्या जतिन मेहता दूसरे उद्योगपति हैं जिन पर 15 बैंकों का 6800 करोड़ रुपए बकाया है? करीब एक साल बाद देश की जांच एजेंसियों की नज़र जतिन मेहता की ओर गई है। जतिन मेहता का विंसम ग्रुप विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा विलफुल डिफॉल्टर है। हालांकि माल्या के मुकाबले मेहता लो प्रोफाइल रहा है। विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी एक लिस्टेड कंपनी है। इसके ग्रुप की कंपनी फॉरएवर पर देश में 15 बैंकों के 6800 करोड़ रुपए बकाया है। भारत ने पिछले साल के बीच में यूनाइटेड अरब अमीरात को एलआर भेजे थे। यूएई ने उनका अभी तक जवाब नहीं दिया है। जतिन मेहता के साथ प्रत्यर्पण को लेकर परेशानी है क्योंकि उन्होंने सेंट किट्स की नागरिकता ले ली है जिसके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। माल्या से उलट विंसम के केस में और भी दिक्कत है। जतिन मेहता के नाम या उनके संपत्ति के नाम पर ज्यादा संपत्ति नहीं है जिसे बेचकर लोन चुकाया जा सके। NMF न्यूज की रिपोर्ट।